क्या आप सब तैयार हैं ये पता लगाने के लिए कि आज आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है? सारा और ऑस्टिन के साथ आपको आज इतना मजा आएगा कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे, और वो यह भी दिखाएंगे कि स्वादिष्ट खाने को अलग अलग तरीके से कैसे खा सकते हैं। तो हमारे इस जोड़ी का साथ देने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो आइए चलो अब शुरू करते हैं। टेबल पर चिप्स है, मुझे प्रिंगल्स बहुत पसंद है, बस थोड़ा सावधान रहना दोस्तों, कहीं से अपने मुँह में फंसा मत लेना। सारा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो इतनी किस्मत वाली है। ऑस्टिन दिखाओ हमें यह कैसे किया जाता है। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। और यह रहा, क्या तुमने कभी ना खत्म होने वाले चिप्स की लाइन को देखा है? ऐसी बढ़िया चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो थोड़ा धीरे खाती ऑस्टिन, इस तरह के स्नैक्स तुम्हारे आंखों के सामने कब खत्म हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम थोड़ा मुझे भी दे सकते हो? लगता है कि ऑस्टिन किसी भी जल्दी खाने वाले प्रतियोगिता को जीत सकता है, जब तक कि आप उसे ज्यादा खाना देते रहें। अरे बत्तख का मुंह बहुत प्यारा। आखिरकार मेरी बारी। क्या यह? क्या कच्चे आलू? मेरे चिप्स कहाँ हैं? क्या मुझे इसे काटकर खुद ही चिप्स बनाने होंगे? छी, कितना खराब। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मुझे अपना मुंह साफ करना पड़ेगा। तुम्हें अपने दोस्त पर हंसना नहीं चाहिए ऑस्टिन, अब तुम्हें भी कुछ कम स्वादिष्ट खाना को खाना पड़ेगा। पहले कौन शुरू करेगा? सारा तुम बहुत बहादुर हो। क्या यह पसंद नहीं है? ओह चलो इसे खा कर देखो, अंडे उतने खराब भी नहीं होते हैं। वास्तव में यह तुम्हारे लिए अच्छा है, हालांकि तुम इसका छिलका हटाकर खा सकती थी। सारा का चुनौती के प्रति समर्पण उसे एक अच्छा सरप्राइज देता है। अपनी जीत की खुशी मनाओ दोस्त, तुम इसके लायक हो। अरे मैं भी इसके लिए ना नहीं कहूंगा, मैं भी अपने लिए कैंडी ढूंढूंगा। चलो शुरू करता हूँ इसका पता लगाना कि मेरे पास अच्छा तरीका है। इस दौर में मुझे जो चाहिए वो मैं कैसे पा सकता हूँ? मैं इन अंडों को तोड़ कर देखूंगा कि चॉकलेट वाला कौन सा है। ये भी नहीं है। मुझे पता है कि इसमें खाने की बर्बादी हो रही है, लेकिन जो है सो है। तुम तो थोड़ा मुझे डरा रहे हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आवाज सुनी? यह कड़ा है, इसके अंदर कैंडी होंगे। खैर यह सही था, पर उसके अंदर वह नहीं भरा हुआ था जिसकी उम्मीद ऑस्टिन कर रहा था। यह दौड़ निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ है दोस्त। तो अब आगे क्या होने वाला है? ओह चीजें तो और बदतर होती जा रही हैं, पर इसी वक्त जब लगा कि वो ऐसा नहीं होगा। इस बार इस ढक्कन के नीचे क्या है? न्यूटेला? बहुत बढ़िया, इस बार तुम दोनों ही किस्मत वाले निकले। पर ऑस्टिन इस बार जेंटलमैन बनकर सारा को पहले जाने नहीं देगा। एक और समस्या आ गई, उसका सामना तुम कैसे करोगे? यह बढ़िया आइडिया है, यह पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? फिर से गड़बड़। क्या तुम्हें कोई श्राप लग गया है? ओ या फिर सारा को? स्वादिष्ट है यह। माफ करना, यह मेरा है और मैं यह खाना चाहता हूँ। कितने बुरे हो तुम। क्या ओके यह है ना, मैं अब मीठे सैंडविच का आनंद लूंगी। जितना ज्यादा लगाऊंगी उतना स्वादिष्ट लगेगा। क्यों ना एक ऊंचा टावर बनाया जाए। वाह यह तो बहुत जल्दी ऊंचा होते जा रहा है। मुझे लगता है ये चॉकलेट का एफिल टावर बन जाएगा, और ऑस्टिन का इसे खाने का बहुत मन कर रहा है। पर क्या सारा उसके साथ शेयर करेगी? किसी हाल में भी नहीं। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है ऑस्टिन, पर हर बार जो तुम चाहते हो वो नहीं मिल सकता। या वही रुक जाओ, न्यूटेला न्यूटेला। जानवरों को नियंत्रण करने वाले दस्ते को बुलाओ, इधर एक खतरनाक प्राणी आ गया है। तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ? ओह ठीक है खाओ। खैर मैं तो यह नहीं कह सकती कि सब कुछ यहाँ सही हो रहा है, कोई यहाँ है जो नियमों को तोड़ रहा है। चल
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रस्सी यहाँ क्यों है? क्या मुझे इसे एक नजदीक से शॉट मिल सकता है? सारा, मुझे लगता है कि इसे खींचना सुरक्षित है। एक और चॉकलेटी सपना पूरा हो गया। यह तो बहुत सारा M&M है। क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि वह इस चुनौती में क्यों नहीं है? इसे खत्म करने के लिए एक प्रतियोगिता की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। शुरू करो। अरे तुम दोनों थोड़ा धीरे। अच्छा होगा कि तुम लोग थोड़ी सावधानी से करो, नहीं तो तू ये गले में फंस जाएगा। हालांकि तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो, तुम लोग इसे संभाल सकते हो। जल्दी करो। सारा को जितने मत देना, जितने ज्यादा कैंडी अपने मुंह में डाल सकते हो उतना बेहतर होगा। ओह, अंतिम पैकेट। शायद तुम दोनों के लिए आपस में बांटने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सहमति पत्र बनाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओह खैर, चलो तुम दोनों को ही कुछ मिल गया खाने के लिए। हेलो, वे कहाँ गए? यह क्या है? नॉर्थ पोल। ऑस्टिन, क्या हम तुम्हारे लिए जैकेट या कम से कम गर्म चाय भेज दें? और हमें सारा का पता भी चल गया है, पर उसे तो आग बुझाने वाली मशीन या ठंडा पूल चाहिए। तुम वहाँ क्या कर रही हो सारा? अपने काम पर वापस आते हैं। और हमारे प्रतियोगी के लिए पिज्जा तैयार है। क्या आपको उस गर्मा गर्म पिज्जा की खुशबू महसूस नहीं हो रही है? सारा ने देखा कि इसे काटने की जरूरत है और उसने अपने काम को पूरी गंभीरता से लिया। वाह, एक बार और। ओह, उसने अपना काम बहुत बेहतर तरीके से किया। पर मुझे लगता है कि सारी काटने की प्रक्रिया से सारा थक चुकी है और सारा को जल्दी से उसे खाने की जरूरत है। ऑस्टिन, तुम कोशिश करो कि तुम्हारे जीभ से जो पानी गिर रहा है वो हर तरफ टेबल पर ना गिरे, समझे? मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ भी बचेगा। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो इन कुछ टुकड़ों को छोड़कर। सारा ने तो पलक झपकते ही पिज्जा का आधा हिस्सा खा लिया। मेरी बारी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी चक्की चलाकर दिखाता हूँ। हाँ, यह निश्चय ही अच्छी व्याख्या थी। बहुत बढ़िया ऑस्टिन, बहुत प्रभावशाली। सारा, ऑस्टिन ने तो तुम्हारे प्रदर्शन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक कि उसने घुमाना शुरू नहीं किया। पर इसे कुछ खाने को तो मिल गया। एक लाल बटन, इसे जल्दी से दबाओ। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका परिणाम क्या हुआ? Awesome! बारिश, पर वैसा नहीं जैसा हम हमेशा देखते हैं। यह बर्गर की बारिश है। यह तो कमाल का है। सारा ने झट से एक उठा लिया और खाना शुरू कर दिया। उसके और उसके स्वादिष्ट खाने के बीच कुछ नहीं आ सकता। ऑस्टिन, एक उठाओ और खाना शुरू करो, या उससे ज्यादा अगर तुम्हें चाहिए। हमें पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, तो जितना मन है उतना खा लो। अरे, दूसरों का खाना नहीं चुराना चाहिए, इसे देखो। पर तुम इसे कैसे खाओगे? खैर, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें खुद ही समस्या का हल ढूंढना होगा। मैं यहाँ ऐसी क्यों बैठी हुई हूँ? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ऑस्टिन। मैं तुम दोनों को बाधित करना नहीं चाहती, पर यह बर्गर का पहाड़ इतना ऊंचा है और यह गिरने वाला है। शायद थोड़ा पहले बोलना चाहिए था। सुपर हीरो ऑस्टिन एक बर्गर के बचाने में कामयाब रहा। और ये किसे मिलेगा? बेशक सारा को। ये एक बेकार का प्रश्न था। तुमने मौका गंवा दिया। तुम्हें एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं करना चाहिए था। आखिरकार हमें कुछ स्वास्थ्यवर्धक फल मिले हैं। स्ट्रॉबेरीज कितने ताजे और रसीले हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। इससे तो मुझे बिल्कुल गर्मियों की मौसम की याद आ गई। और मैं इसे पूरा खाने वाली हूँ, एक बार में पूरा। हाँ, मैं अपना पूरा मुंह घुसाकर ही खाना शुरू कर देती हूँ। मेरे साथ क्या बुरा हुआ है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जरा अपने आप को देखो। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? मैं पूरी तरह से लाल क्यों हो गई हूँ?
चिंता मत करो सारा, यह जल्दी ही सब हट जाएगा। चलो देखते हैं कि ऑस्टिन इस काम को कैसे संभालता है। उसके दिमाग में जरूर ही कोई योजना आई है। चलो शुरू करो। वाह ऑस्टिन, मिल्कशेक थोड़ा ज्यादा बनाना ताकि हम सब भी पी सके। यह स्पष्ट रूप से मुझे लाल नहीं करेगा, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे मिल्कशेक बहुत पसंद है। मुझे मानना पड़ेगा ये एक अच्छा विचार था। दिखाओ क्या हुआ। अब चलो इसे पियो ऑस्टिन, इसे देखकर तो भूख लगाई है। सारा इसे पीने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। बिल बांटकर खाना पीना तो अच्छा होता है ना? माफ करना सारा, लगता है कि ऑस्टिन इसको किसी को नहीं देना चाहता है। ठीक है, फिर ये लो। सारा ने बहुत बुरा मजाक किया, अब अगली बार से थोड़ा उसे दे देना। तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। हमें खुशी है कि आपने अपना समय दिया हमारे वीडियो को देखने के लिए। जब भी आप चाहें हमारे चैनल पर आकर वीडियोस को देखें। यहाँ बहुत सारे मनोरंजक वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए है। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। बाय बाय।